बीहर नदी में डूबे हुए एक बच्चे का शव मिला है। बच्चे का शव नदी में देख सिविल थाना प्रभारी नदी में ही कूद गए और तैरकर बच्चे के शव तक पहुंचे, उसे बाहर निकाला। दरअसल ढेका के पास हरजन बस्ती में रहने वाले कुछ बच्चे करिया घाट में नहाने गए थे। नहाते वक्त गहरे पानी में जाने से 15 वर्षीय दीप साकेत पानी में डूब गया। दीप के डूबने की जानकारी साथियों ने परिजनों को दी और परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। कल से बच्चे के शव की तलाश की जा रही थी, जो आज दोपहर नदी में तैरता हुआ मिला। नदी में बच्चे के शव को देख सिविल लाइन थाना प्रभारी कमलेश साहू नदी में कूद गए और बच्चे के शव को बाहर निकाला। वहीं इस पूरी घटना की जानकारी देते हुए CSP ऋतु उपाध्याय ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम कराने के लिए अस्पताल भेजा गया है और घटना की जाँच की जा रही है। कल दिनांक बीहर नदी में हमीदिया कॉलोनी के पीछे कुछ बच्चे नहाने गए थे। ढेका के हरिजन बस्ती के बच्चे थे। जानकारी मिली कि 10:30 बजे कि एक बच्चा डूब गया है। उसके दोस्त आके बताए, बचाने की कोशिश की परंतु बचा नहीं पाए, तो जानकारी देने उनके पिता थाने आए 10:30 बजे और रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया गया। जो बच्चा था जो डूबा है वो दीप साकेत है, 15 वर्ष थी उम्र, पिता राजेश साकेत हरिजन बस्ती का निवासी है। कल से लगातार रेस्क्यू टीम काम कर रही है और आज अभी दोपहर में जो है दीप साकेत का शव नदी से बाहर निकाला गया है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। नहाने के लिए, दोस्तों के साथ नहाने के लिए नदी गए थे। हाँ, थाना प्रभारी भी रेस्क्यू टीम के साथ थे, सारे अधिकारी वहाँ उपस्थित थे। थाना प्रभारी स्वयं रेस्क्यू टीम के साथ थे और तैरकर वो भी जो है शव को निकालने में उन्होंने मदद की है।